मेरी एक की आवाज गुंजरी, लेकिन आप सबकी तो फिर गुंजना चाहिए। फिर आप सब तैयार है रमजान के लिए? तैयार है? माशाल्लाह बारकल्ला। तो अब मेरी बहनों, जब इतना अहम महीना है जिसका मुझे और आपको इस्तकबाल करना है, याद रखना, अगर मैं और आप, अगर हमारी इस उम्मत मुस्लिमा की खवातीन सही तरीके से रमजान का इस्तकबाल अगर नहीं करेंगी, तो हो सकता है वो रमजान की नेहमतों से महरूम हो जाए। अगर हम सही तरीके से रमजान का इस्तकबाल नहीं करें, तो हो सकता है हम अल्लाह को राजी करने से महरूम हो जाए। अगर हम रमजान का सही तरीके से इस्तकबाल ना करें, तो हो सकता है हम हमारी जन्नत को हासिल ना कर पाए। तो हमको हमारी मगफिरत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए रमजान का सही तरीके से इस्तकबाल करना है। एक मोमिन का रमजान हमको जानना है इंशाअल्लाह। तो अब एक मोमिन के रमजान में, या वो बंदा या वो बंदी जो हमेशा ये चाहती है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, जिसकी सोच और फिकर ये है कि ये रमजान उसकी जिंदगी में उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाला बन जाए, तो फिर उसको 10 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? कितने? ये कितने हैं? 10। तो अब 10 काम मुझे और आपको करने हैं, और 10 कामों के लिए अभी से जहनी तौर पे तैयार हो जाना है इंशाल्लाह। तो तैयार है आप लोग? माशाल्लाह।